हेलो दोस्तों दृष्टि पीसीएस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी से जुड़े जो भी करंट अपडेट्स हैं उसके प्रोग्राम पर तो बिहार की पीसीएस परीक्षाओं से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाक्रम रहा है चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो इस समय हम मना रहे हैं तो उससे जुड़े कई सारे सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं शुरुआत करते हैं हम पहले मैप से यहाँ पर बिहार का एक नक्शा आपके सामने है इसमें एक सवाल बनाते हैं सवाल ये हो सकता है कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा एक देश और एक राज्य दोनों के साथ लगती है आप मैप में देखिए फिर बताइए कितने हैं चलिए आसान करते हैं एक जिला है पश्चिमी चंपारण और दूसरा है किशनगंज तो पश्चिमी चंपारण की सीमा एक तरफ से लग रही है नेपाल से दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश से और खैर बाकी जिलों के साथ तो है ही बाकी यहाँ पर किशनगंज नेपाल से और यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ ठीक तो दो ऐसे जिले हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं बाकी अगर हम नेपाल के साथ सटे हुए जिलों को देखें तो मोतिहारी यहाँ पर सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल और अररिया ये प्रमुख जिले यहाँ पर दिखाई देते हैं तो आगे बढ़े पहले सवाल से, से सेशन शुरू करें तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पुलिस सेवा के लिए विशेष मेडल्स दिए जाते हैं उसकी बात की जा रही है तो इस बार जो बिहार से हैं बिहार से छब्बीस पुलिसकर्मी ऐसे होंगे जिनको सम्मानित किया गया है अब पूरे देश के अंतर्गत हम अगर देखें तो लगभग एक हजार बयासी पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है जिसमें से कि 26 बिहार से हैं, ठीक तो इन 26 में भी अगर हम देखें तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है जिसमें से कि सात पुलिसकर्मियों को यहाँ पर दिया हुआ है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड, ठीक इसके अलावा दो पुलिस अफसरों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और बाकी के जो सत्रह अधिकारी हैं उनको सराहनीय सेवा से जुड़ा जो पुलिस का मेडल है वो दिया गया है टोटल छब्बीस में बिहार से याद रखिएगा इस संख्या को संख्या में भी जो सात है सात को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड दो को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और सत्रह को जो सराहनीय सेवा है उससे तो जुड़ा पुलिस मेडल दिया जाएगा टोटल छब्बीस अधिकारी बिहार से होंगे और एक टोटल पूरे देश से लिए गए हैं तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ओलंपियाड व क्विज प्रतियोगिता में किस कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया है ठीक तो ये जो क्विज प्रतियोगिता है इससे जुड़े जो ऑप्शन है नौवीं से दसवीं ग्यारहवीं बार बारहवीं पाँचवीं से आठवीं या फिर आठवीं से नौवीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक तो नौवीं और दसवीं जो कक्षा के छात्र छात्राएं हैं विद्यार्थी उन्होंने हिस्सा लिया है अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी जो इसका जो आयोजन है कुछ समय पहले होना था लेकिन इसकी तिथियों में कुछ परिवर्तन हुआ है ठीक ग्यारह बारह अगस्त को ये आयोजित होनी थी उसके बाद इसकी तिथि स्थगित कर दी गई उस समय और जो नई तिथियां आई उसमें सोलह और सत्रह अगस्त की तारीख रखी गई तो कल और आज इसका आयोजन किया गया है तो जो सोलह अगस्त को होना था वो ओलंपियाड और सत्रह अगस्त को क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है इसके पहले भी जो परीक्षा की तिथि थी वो भी इसके पहले स्थगित की जा चुकी है तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है और बच्चों के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए वो सीखेंगे क्विज में क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसके तहत अभ्यास होगा ठीक तो जो प्रवेश पत्र है पहले वाले ही यहाँ पर वैलिड माने गए इतना जरूरी नहीं है लेकिन जो कक्षा है नौवीं दसवीं वह महत्वपूर्ण है पूछा जा सकता है चलिए अगला सवाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूकने वाले खुदीराम बोस को कहाँ फांसी दी गई ऑप्शन आरा मुजफ्फरपुर अररिया जमुई उपरुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक इसका सही जवाब क्या है मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और ये उन चंद क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए कुछ कर गुजरने के साथ ही इस तरह का बलिदान भी दिया तो इनका जन्म हुआ था तीन दिसंबर अठारह को कहाँ हुआ था बिहार प्रांत के मिदनापुर में ठीक पिताजी का नाम था त्रैलोकनाथ बोस माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी अभी चुकी इनकी चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 11 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई या फिर हम कहें शहीदी दिवस मनाया गया तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी जब 1905 में भारत का भारत के अंतर्गत बंगाल का विभाजन होता है तब फिर ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किए और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के चलते फिर इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फिर फांसी दे दी ठीक तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुजफ्फरपुर चलिए अगला सवाल विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला से पचहत्तर मीटर का भारत का नक्शा किस स्थान पर बनाया गया ऑप्शन बक्सर रोहतास कटिहार किशनगंज उपायुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया गया है पचहत्तर मीटर का जो मानव श्रृंखला से बना हुआ भारत का नक्शा है वो सबसे बड़ा माना गया है विश्व के अंतर्गत इसका रिकॉर्ड बनाया गया है बक्सर में तो आज़ादी की जो स्वतंत्रता महोत्सव हम लोग मना रहे हैं उस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और पद्मश्री विजेता पर्वतारोही संतोष यादव मौजूद रहे एनसीसी कैडेट्स और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे तो पचहत्तर मीटर का विश्व का सबसे लंबा भारत का मानचित्र बनाया गया है और यह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्रिएट किया गया है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो टीम आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली वो शामिल थी उन्होंने वहां पर सामने ही ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद उनको जो एक मेडल होता है और एक प्रशस्ति पत्र होता है वो दिया है ठीक एक तरीके से प्रमाण पत्र भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं सही जवाब ऑप्शन ए यानी बक्सर ठीक चलिए अगला सवाल विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन बारह अगस्त तेरह अगस्त चौदह अगस्त या फिर पंद्रह अगस्त ऊपर एक में से कोई नहीं या एक से अधिक तो एक नया नाम लग सकता है ये वाला विभाजन विभीषिका दिवस इसके पहले तो शायद कुछ लोगों ने सुना हो कुछ ने ना सुना हो यह जो दिवस है इसको मनाया जा रहा है चौदह अगस्त को अब तो हर साल इसको चौदह अगस्त को आयोजित किया जाएगा चौदह अगस्त दरअसल वह तिथि है जब भारत को आजादी मिलने वाली थी और भारत को आजादी एक देश के रूप में ना मिलकर के दो टुकड़ों में दी गई थी भारत और पाकिस्तान तो एक समय ऐसा आया जब भारत भारत में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों को भारत आना पड़ा कई सारे लोग इसमें मारे गए कई सारे लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए कई सारे लोग घर बार अपना छोड़ करके गए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयावह दृश्य वहां पर मौजूद रहा क्योंकि कई सारे लोगों की यहां पर मौत भी हुई तो इसी दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल यानी दो में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी और इस साल इसको मनाया गया चौदह अगस्त के दिन ठीक तो यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस चौदह अगस्त चलिए अगला सवाल राजगीर जू सफारी किस जिले में स्थित है पटना गया किशनगंज नालंदा ऊपर एक में से कोई नहीं है एक से अधिक तो जो राजगीर जू सफारी है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसको नए जीव जंतु मिलने वाले हैं तो अभी न्यूज में देखें नालंदा में स्थित है तो बिहार के नालंदा जिला में स्थित राजगीर जू सफारी को बड़ा तोहफा मिलने वाला है क्या है या सात विदेशी नस्ल के लगभग 36 जानवर मंगाए जा रहे हैं जैसे हिरण है इम्पाला है ठीक जिराफ जेब्रा जबरा दो सिंग वाला गेंडा अफ्रीकी शेर नील नदी के मगरमच्छ तो इस तरह के कई सारे जीव जंतु यहाँ मंगाए जा रहे हैं और उसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है तो अच्छा होगा भारत में और जैव विविधता अलग अलग डाइवर्सिटी आएगी अलग, अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलेंगे ठीक तो सही जवाब ऑप्शन डी यानी नालंदा में यह स्थित है चलिए अगला सवाल बिहार के किस शहर ने पचहत्तर स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में तिरंगा यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ऑप्शन जमुई भागलपुर छपरा आरा उपरुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो भागलपुर यहाँ पर सही जवाब है पूरे देश में चूंकि आजादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसी दौरान कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हमने एक देखा कि पचहत्तर मीटर जो लंबा भारत का मानचित्र बनाया गया था वो महत्वपूर्ण था उसके बाद एक भागलपुर शहर के अंतर्गत ही तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ठीक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली टीम ने यहाँ पर भी चीजों को देखा तो ये जो तिरंगा था कितना पचहत्तर फीट लंबा तिरंगा इसके अलावा पचहत्तर स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर यात्रा भी इस दौरान निकाली गई तो बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर रहा इस बार बहुत अच्छे तरीके से इसको सभी राज्यों ने मनाया पूरे देश के अंतर्गत सभी लोगों ने मनाया क्योंकि बिहार राज्य के अंतर्गत हम करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं इसलिए बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम बात कर रहे हैं सही जवाब क्या है ऑप्शन बी भागलपुर ठीक चलिए अगला सवाल बिहार पुलिस के कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री जांच पुरस्कार मिला है ऑप्शन चार पांच छ सात उपरयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक तो बिहार के अंतर्गत सात पुलिसकर्मी ऐसे रहे जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री जांच पुरस्कार दिया गया ठीक तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आपराधिक अनुसंधान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले इन अधिकारियों को यह पुरस्कार मिला है इसमें दो आईपीएस अधिकारी शामिल हैं उनके नामों की बात करें तो आईपीएस पी एस सायली धूरथ सावलाराम और आईपीएस पी विनय तिवारी का नाम इसमें आता है इसके अलावा जो बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उसमें इंस्पेक्टर रामशंकर सिंह इंस्पेक्टर विनय प्रकाश सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सब इंस्पेक्टर मोहम्मद चांद परवीन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलाम मुस्तफा इन्हें मिला के सात नाम यहाँ पर आते हैं ठीक सात ऑफिसर्स आते हैं ऑप्शन डी इसका सही जवाब है चलिए अगला सवाल पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर झांकियों के प्रदर्शन में किसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ तो झांकियां निकाली गई महत्वपूर्ण रही ऑप्शन क्या है कृषि विभाग बिहार अग्निशमन सेवा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद वित्त और कर विभाग उपरुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल रहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल रहे बहुत सारे लोग मौजूद रहे झंडारोहण किया गया और झांकियां निकाली गई झांकियों में जो बेहतर प्रदर्शन किया उसमें पहले नंबर पर कृषि विभाग दूसरे नंबर पर बिहार अग्निशमन सेवा और तीसरे नंबर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसी क्रम में जो झांकियां रही उनको पुरस्कार मिला और बेहतरीन झांकियां यहां पर सजाई गई तो इससे जुड़ा जो उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ठीक तो आज के सेशन में हमने जिन सवालों को कवर किया है एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा उसके बाद अगले सेशन में मिलेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ तब तक, तक पढ़ते रहिए ख्याल रखिए शुक्रिया